पीएनए न्यूज के साथ मैं हूं मुबशर नूर चादर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर अजम इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और रोड ब्लॉक कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गगो मंडी लारी अड्डा, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रोड ब्लॉक कर दिया है और रुकावटें खड़ी कर दी है और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है और ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ये बराह रास्त मनाजर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त एहतजाज कर रही है और खासतौर पर नौजवान है और आईएसएफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान टाइगर है उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ कारकुनान से भी पूछते हैं, जी भाईजान आपने ये ट्रैफिक क्यों बंद की है, ट्रैफिक को क्यों ब्लॉक किया है? इमरान खान को पकड़ा गया इसलिए बंद किया वो। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, अगर वो नहीं पकड़ते तो आप इसी तरह बंद ही रखेंगे ट्रैफिक को? जैसे अवाम आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अवाम बंद करने के लिए इधर खड़ी हुई है। जी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रोड ब्लॉक कर दिया है। मैं इस वक्त लारी अड्डा गगो मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इमरान खान की मुमकिनात जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर शहरों में कारकुनान भी एहतजाज कर रहे हैं। बुरेवाला, गगो मंडी, आरिफ वाला, पाकपतन और दीगर शहरों में इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान, बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में सीनेटर अवन अब्बास सोबी की हदायत पर जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो एहतजाज कर रहे हैं। बुरेवाला में भी एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है और गगो मंडी में मकामी रहनुमा भी इस वक्त मौजूद नहीं है, ताकि मकामी रहनुमा नहीं मौजूद और कारकुनान इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं और ट्रैफिक की आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ ये मनाजर आप बराह देख सकते हैं कि ट्रैफिक को रोका जा रहा है और शहरी भी इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और कुछ गाड़ियां भी गुजर रही हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लाहौर में भी इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं और ये गगो मंडी के आप बराह रास्त नजर देख सकते हैं, जहां पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीएनए न्यूज और फेसबुक पेज मुबशर नूर चादर और पीएनए न्यूज को फॉलो करें। मजीद अपडेट से आपको थोड़ी देर के बाद आगाह करते हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर रोका जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियां पीछे जा रही हैं, आगे कारकुनों ने रुकावटें खड़ी की हुई हैं। ये लारी अड्डा गगो मंडी के मनाजर आप देख सकते हैं और कुछ गाड़ियां बैक भी हो रही हैं और ये आप देख सकते हैं ट्रक भी खड़े हैं। कारकुनान ने मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है और शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और कुछ गाड़ियों को गुजरने दिया जा रहा है। ये आप मनाजर देख सकते हैं बराह रास्त लारी अड्डा गगो मंडी के, जहां पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है और एक साइड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है और दूसरी साइड को भी कारकुनान ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं और बाकी ट्रैफिक इस वक्त ब्लॉक हो चुकी है और रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान टोलियों की शक्ल में वो ब्लॉक कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो ये आप इस वक्त बराह रास्त मनाजर गगो मंडी लारी अड्डा के देख रहे हैं।
जहाँ पर ये कारकुनान ने ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है और ये मनाजर आप देख सकते हैं बराह रास्त। मजीद अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे, फिलहाल आपको ये मनाजर दिखाए हैं गोगो मंडी से।